हेलो दोस्तों, 27 खुसरो में आपका स्वागत है। यदि आप भीमबेटका भोजपुर मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे क्या क्या प्लेस देखने को मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें आप एक प्लेस देख सकते हैं एक्सकर्सन में, यहाँ पर एक है आशापुरी, है ना, तो आप आशापुरी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप भीमबेटका जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर आप देखिए इस तरीके की गुफाएँ यूज़ कर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा आप ये कलर्स देखिए, वैरायटी ऑफ कलर्स जो वॉल में डिफरेंट वो हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो आप देखिए। फिर भोजपुर में जैसे आप जाएंगे तो आप भोजेश्वर टेम्पल प्रतिरूप भगवान का शिव का यहाँ पर है, ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा ये जरूर देखिए। भीमबेटका में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब हम आते हैं दतिया भी आते हैं आपके मध्य प्रदेश में है, और इसको बुंदेला ट्रेजर बोला जाता है। और जैसे भीमबेटका भोजपुर को हेरिटेज ऑफ दी ग्रेट सिटी, तो आप जैसे दतिया का हम बात करेंगे, दतिया के जैसे आप जाते हैं तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे सोनगिरी जा सकते हैं। सोनगिरी में आप देखिए इस तरह का कितना सुंदर सा व्यू है, और सोनगिरी का ये देखिए कितना सुंदर है, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर एक ये आप देख रहे हैं फोर्ट देख रहे हैं, जो ये वीर सिंह पैलेस है, ये देखिए कितना सुंदर है, यहाँ विजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए द रो ऑफ आर्क्स इन पैलेस, ठीक है, आप आर्क्स वगैरह देखिए इसमें। फिर यहाँ पर एक जो फोर्ट है द व्यू ऑफ कोर्टयार्ड इन द मैग्निफिशेंट पैलेस, देखिए कितना सुंदर व्यू है। और ये पेंटिंग देखिए, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, ब्यूटीफुल म्यूरल्स एंड स्टक वर्क एटम इनसाइड द वॉल्स। और ये देखिए परिक्रमा ये है पीतांबरा टेम्पल और ड्रिंक्स बीइंग सोल्ड आउटसाइड, इस तरह की चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं और टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। पेंटिंग से मुझे याद आया, मैं MPT विद्या रीवा में हूँ, और देखिए मुझे ये पेंटिंग्स काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगी, देखिए आप इनको मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ, मतलब जो आर्किटेक्ट है, जो कलाकार है, वही इसका मतलब एक तरीके से वो बता सकता है कि ये क्या पेंट, क्योंकि मैंने सुना है हर पेंटिंग की एक कुछ वो होती है, बोली होती है, तो उसका जो जो भी एक्सप्रेशन है, वो कहते हैं ना कवि कहना क्या चाहता है, यहाँ पे कवि नहीं है, यहाँ पे पेंटर है, तो जो वो कहना क्या चाहते हैं वो देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं इंदौर पे, तो इंदौर पे जैसे आप आओगे तो इंदौर आप सभी जानते हैं, तो एक्चुअली इंदौर को कमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य हिंदी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे सबसे पहले साउंड एंड लाइट शो एट राजवाड़ा देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप आते हैं नाइट में। फिर इसके अलावा फिर यहाँ पे आप कृष्णापुरा 36 ये देख सकते हैं, ये 36 मतलब एक तरीके से महल होते हैं छोटे छोटे, तो वो आप देख सकते हैं। और फिर ये देखिए, ये है आपका स्टैंडर्ड इंटीरियर्स ऑफ लाल बाग पैलेस, तो ये देखिए कितना सुंदर है इंदौर में अभी। और ये देखिए भगवान गणपति बड़ा गणपति मंदिर, ये बहुत ही मंदिर, आप भी जाएँ गणपति जी के पैलेस हो गया। और वहाँ पे इंदौर का आपको जानते हैं कि खाने पीने के लिए बहुत ही फेमस है, नहीं स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है 56 को। तो उसके बाद हम आते हैं पन्ना पे, तो पन्ना पे जैसे हम आएंगे तो हम देखते हैं कि पन्ना में जैसे हमारे पास क्या क्या है देखने के लिए। पन्ना को एक्चुअली बोला जाता है द ट्रस्ट विथ नेचर, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये महामती प्राणनाथ जी टेम्पल, महाराज प्राणनाथ जी टेम्पल
का ये बालडोजी टेम्पल है, यहाँ पे आप जरूर जाएं, देखिए यहाँ पे। और ये एक्चुअली ये जो डिटेल्स हैं ये लिखी है कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, और रुकने की तो आप के बाद जो भी आपको सुविधा है यहाँ पे भी आप सुविधा अनुसार रुक सकते हैं। फिर सीन रूट ऑफ केन रिवर, ये देखिए केन रिवर, और ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये टाइगर भी देख सकते हैं, स्ट्रिप्ड स्टॉकर ऑन इट्स प्रो, और हिरन बारा सिंघा भी बोल क्या बोलते हैं सांबर है ये शायद सांबर। और ये जो है फोर्ट ऑफ अजयगढ़, और इसके अलावा ये जो ट्री है ये अर्थ पार्क सफारी भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप पन्ना में कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं शिवपुरी पे। तो शिवपुरी पे जैसे ही आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले शिवपुरी को बोला जाता है ट्रैंक्विल फॉरेस्ट स्टीप इन सैंड सिटी, ठीक है, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं सैंड सिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखना है भाई, सबसे पहले आप पार्क सफारी जरूर, यहाँ पे आप सुरवाया गड़ी जाएंगे, देखिए कितना अच्छा सुंदर आर्किटेक्चर्स हैं। फिर यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे माधव राव सिंधिया छत्री देख सकते हैं, ये हो गया आपका जॉर्ज कार्सन देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आप और क्या देख सकते हैं, जो क्लब शिवपुरी देख सकते हैं, ये शिवपुरी का नाम फेमस ठीक है। तो ये ओरछा में जैसे आप आएंगे तो सब यहाँ पे आप साउंड एंड लाइट शो जरूर देखने जाएंगे फोर्ट का। फिर आप यहाँ पे रिवर राफ्टिंग एट द रिवर बेतवा रिवर पे काम कर सकते हैं, अक्टूबर टू मार्च में यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। और फिर यहाँ पे आपका राजा राम टेम्पल है, यहाँ पे जा सकते हैं आप। फिर यहाँ पे ओरछा मॉन्यूमेंट्स रिटेन देयर प्रिस्टीन परफेक्शन, ये जहांगीर महल भी आप जा सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी जा सकते हैं। फिर अब हम आते हैं, तो ये बात भी ओरछा की, अब हम बुरहान के प्लेसेस देख लेते हैं। बुरहान में आप जैसे जाएंगे तो आप क्या देख सकते हैं, सबसे पहले असिरगढ़ फोर्ट, ये देखिए असिरगढ़ फोर्ट कितना सुंदर है। फिर यहाँ पे शाहजहाँ मुमताज महल है बुरहानपुर, ये आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे सिखिज्म से भी कुछ रिलेशन है। और फिर यहाँ पे बादशाही मिलिया अलोंग दी ताप्ती रिवर, ये देखिए ताप्ती रिवर के पास ही। और ये जामा मस्जिद, फिर है आपका टॉम्ब ऑफ शाह नवाज खान, हमाम।
दोस्तों, टूरिज्म से रिलेटेड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आप मतलब मध्य प्रदेश में जो बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश ही बहुत अच्छा सुंदर है, लेकिन उनमें से कुछ तो अति सुंदर जगह हैं वहाँ पर, आप कहाँ पर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय तो नहीं रहता कि हम सारी चीज़ें देखें, तो जो लिमिटेड चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं वो ये हैं। तो जबलपुर भेड़ा घाट, तो यहाँ पे आपने देखा ही है कि इसको मार्बल रॉक्स वगैरह बोलते हैं भेड़ा घाट को, ऑल ऑसम स्पेक्ट्रेट ऑफ नेचर, ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, 64 योगिनी टेम्पल जबलपुर, ये देखिए टेम्पल। फिर यहाँ पे ये आपका धुआंधार है भेड़ा घाट, इसको धुआंधार भेड़ा घाट एक ही है ना, ठीक। फिर ये देखिए इस तरीके का आपको वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं भेड़ा घाट में। और फिर ये आपका मदन महल फोर्ट है, और ये आपका फिर बगी डैम भी आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं जब भी आप जबलपुर। अब खजुराहो तो आप सभी वैसे जानते ही हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं टॉम वॉक महाराज छत्रसाल, ठीक है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। फिर आपका जो खजुराहो टेम्पल्स आप देख सकते हैं ना, बहुत ही यहाँ तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दुनिया भर से। फिर ये आपके जो लाइफ इन एवरी फॉर्म एंड मोड कैप्चर्ड इन स्टोन है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे खजुराहो डांस फेस्टिवल है इन एनुअली बिटवीन फरवरी टू मार्च, फरवरी से मार्च आइए तो आप यहाँ पे डांस फेस्टिवल भी जरूर देखेंगे। खजुराहो की वर्ल्ड हेरिटेज। उसके बाद हम आते हैं उज्जैन, उज्जैन द सिटी ऑफ टेम्पल, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या यहाँ होते हैं, तो ये है कालीदह पैलेस, कुछ इस तरीके से, तो वो यहाँ पे बस सीमित करेंगे। फिर है मानव
बागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जाएं, फिर यहाँ पे देखिए तानसेन फेस्टिवल होता है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्वालियर की चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए ये है जय विलास पैलेस है, वहाँ पे आप इसको घूमने जरूर जाएं। और फिर यहाँ से सास बहू का मंदिर यहाँ पे भी आप देखिए, ये ग्वालियर की चीज़ें होंगी। शिवपुरी में जब हम आएंगे तो ग्वालियर को एक्चुअली हम बोलते क्या हैं वो मैं आपको बताना भूल गया, द लिविंग हेरिटेज ऑफ हीरोइज्म। और शिवपुरी को बोलते हैं ट्रैंक्विल फॉरेस्ट स्टेप्ड इन सैंक्स टीटीटी। फिर एक्सकर्सन में आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो सुरवाया जा सकते हैं, सुरवाया गढ़ी शिवपुरी में, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे टेम्पल्स जा सकते हैं, माधवराव सिंधिया छतरी, तो यह हमने शायद डिस्कस कर लिया है शिवपुरी में, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जॉर्ज कासल आप जा सकते हैं, और फिर यहाँ पे महारानी साख्या राजेश सिंधिया छतरी बोट क्लब भी आप कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं। तो शिवपुरी की चीज़ें हो गई। अब हम सांची की बात करें, इसको मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट आर्टिस्ट बोलते हैं, तो ये तो आपने देखा ही है। तो द म्यूज़ियम, सबसे पहले आप म्यूज़ियम जाएं, ये चीज़ें देखें, और फिर उसके बाद ये चीज़ के लिए सांची स्तूप, द ग्रेट स्तूप आप बोलते हैं इसको, है ना। और ये देखिए पैरों के निशान, ये यहाँ पे बौद्धिज्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। ये है जाटक टेल्स ऑन सांची गेट, ये है स्तूपा नंबर 2, ये है स्तूपा नंबर 1, ये है स्तूपा नंबर 2। भोपाल तो मैं आपको शायद दिखा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे भोपाल में आप रुकना चाहें तो पलास रेसिडेंसी, कहीं पे भी आप रुक सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं पर ही एक ही जगह रुकें। तो जैसे ताजुल मस्जिद, फिर द रॉयल सौकत महल सदर मंजिल, और फिर आपका अपर लेक इंजीनियरिंग, मैन मेड बहुत अच्छी लेक है ये, और ये म्यूज़ियम ट्राइबल म्यूज़ियम। आते हैं यहाँ पे शारदा माँ का मंदिर है, द वर्च्यू ऑफ फेथ, ये माँ शारदा का टेंपल है। तो यहाँ पे आर्ट इकोल ये देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो माँ शारदा देवी के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। ये सबसे जब ऊपर आप पहाड़ पे चढ़ सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं तो ये मंदिर का नज़ारा रहता है देवी टेंपल का। और ये है मदीना भवन आप देख सकते हैं, और ये महियर बैंड भी आप जरूर सकते हैं। उदयगिरी केव्स, गरसपुर और उदयपुर, ये हेरिटेज, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ें आप आर्किटेक्चर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ये है आपका उदयगिरी केव्स में ये आर्किटेक्चर्स आप देख सकते हैं। फिर आपका नीलकंठेश्वर टेम्पल उदयपुर में आप देख सकते हैं ये। फिर ये हेलिडोरस पिलर आप यह देख सकते हैं। अब ये देखिए कितना सुंदर महल है, ये है माला देवी टेम्पल ग्यारसपुर, तो यहाँ पे भी आप उदयगिरी केव्स भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं आपकी इन जगह की, विदिशा, उदयगिरी केव्स, ग्यारसपुर, उदयपुर, ठीक है। फिर है अमरकंटक, तो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है ये, द सोर्स ऑफ द होली नर्मदा। तो ये देखिए माँ नर्मदा का उद्गम स्थल पे भी टेंपल। फिर ये है ज्वालेश्वर टेंपल, ये देखिए टेंपल। और फिर त्रिमुखी टेंपल आप देखें कितना सुंदर है, देखिए यही चीज़ यदि हम किसी
हमें ये चीज़ें पता नहीं रहती, लेकिन जब हम किसी हॉलीवुड मूवी में यदि हमको ये दिखाएंगे तो हम बोलेंगे अरे वाह। लेकिन यही चीज़ें मतलब इतनी सुंदर चीज़ें हमारे देश में भी हैं, तो लेकिन हम इन्हें जानते ही नहीं हैं। और फिर ये एंशियंट टेम्पल्स कल्चुरी पीरियड, और ये आपका वाटरफॉल देख सकते हैं, ये है ब्यूटीफुल कपिलधारा फॉल। तो ये बहुत ही सुंदर है, अमरकंटक तो आप जरूर जाएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।